बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ अलाइड स्कूल के जॉब्स के बारे में। अलाइड स्कूल की जानिब से पूरे पाकिस्तान में जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तमाम पाकिस्तानी जो प्राइवेट नौकरी हासिल करना चाहते हैं अलाइड बैंक में, उनके पास सुनहरी मौका मौजूद है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कौन कौन से जॉब इस वक्त अवेलेबल है, इसमें कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए तालीम की कितनी ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, आपने गूगल को ओपन करना है। यहाँ पर आपने लिखना है फौरी नौकरी। फौरी नौकरी लिखने के बाद आपने सर्च करना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी foreignnaukri.com। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है होम पेज के ऊपर एजुकेशन जॉब्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एजुकेशन के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स इस वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने तलाश करना है अलाइड बैंक की जॉब्स को। ठीक है, तो अलाइड बैंक जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है, आपने इसको ओपन कर लेना है। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले नंबर पे बेसिक डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी नेम की बात करें तो अलाइड स्कूल की जानिब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। एजुकेशन की बात करें तो मिडिल से लेकर मास्टर तक कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो गुजरांवाला के अंदर आपको तैनात किया जाएगा सिलेक्शन के बाद। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जून है, आपने 30 जून से पहले अप्लाई करना होगा। जॉब टाइप की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 9 असामियाँ इस वक्त खाली हैं। स्केल के मुताबिक आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ में दोस्तों आपको स्केड्यूल नज़र आ रहा है, 9 मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर जॉब्स अवेलेबल हैं। मेल और फीमेल दोनों ही इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का जॉब अवेलेबल है। मेल और फीमेल दोनों ही इन जॉब्स के लिए अहल हैं। एमए पास होना ज़रूरी है इस जॉब के लिए। दूसरे नंबर पे टीचर की जॉब अवेलेबल है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एमए या एमएससी तालीम का होना ज़रूरी है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर एडमिन या फिर अकाउंटेंट की जॉब अवेलेबल है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर की जॉब अवेलेबल है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी या फिर एमएड होना जरूरी है इस जॉब के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आर्ट टीचर की जॉब अवेलेबल है फीमेल, इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसमें बीए या एमए लाजमी है तालीम। इसके अलावा छठे नंबर के ऊपर सीआरओ की जॉब अवेलेबल है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बीए या बीएससी तालीम का होना ज़रूरी है। सातवें नंबर पे ऑफिस बॉय या आया की जॉब अवेलेबल है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल या मैट्रिक तालीम का होना ज़रूरी है इस जॉब के लिए। आठवें नंबर पर स्वीपर की जॉब अवेलेबल है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है। नौवें नंबर पर दोस्तों गार्ड की जॉब अवेलेबल है, मेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी से रिटायर हजरात या फिर पुलिस से रिटायर हजरात जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सिंपल तरीकाकार है, आपने ये नीचे मेल दी हुई है, आपने इस मेल के ऊपर अपनी जो CV है उसको भेज देना है आखिरी तारीख से पहले। ठीक है दोस्तों, मुकम्मल तफसीलात दोस्तों मैंने आपको आगाह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको ओपन करने के बाद यहाँ के मुकम्मल तफसीलात को खुद भी रीड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।